हाय स्टूडेंट्स, बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस भी रहेगा तो कैसे उसका एक्टिव से पैसे बनाएंगे। ध्यान देना बेटा, असर्टिव सेंटेंस का अभी हम लोग केवल कन्वर्जन देख रहे हैं कि कैसे उसको एक्टिव से पैसे हम बनाएंगे। अब चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव से कैसे पैसे कैसे बनाओगे देखो, चलो सीखो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। आप कैसे पहचानोगे कि जो दिया गया सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है? ध्यान दीजिएगा, केवल असर्टिव सेंटेंस की बात मैं कर रही हूं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है? पार्ट वाइज आप वीडियो देखते चलिए, आपको सारा मैटर मिलता चलेगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज। द बॉय किल्ड द स्नेक। देखिए यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है सब्जेक्ट के बाद, और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, किल का सेकंड फॉर्म किल्ड। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। द बॉय किल्ड द स्नेक, लड़के ने स्नेक को मारा। ये इसकी मीनिंग, लड़के ने स्नेक को मारा, ठीक है बेटा? अब देखो कि मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जब भी आपको एक्टिव से पैसे बनाना है तो सबसे पहले यू विल फाइंड सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपको ढूंढना होगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आधा वर्क तो यहीं पर हो जाता है जब ये फाइंड आउट आप कर लेते हो, ठीक है? देखो, द बॉय किल्ड द स्नेक, डूअर कौन है, काम को करने वाला कौन है, द बॉय है, तो द बॉय हो गया सब्जेक्ट, ओके। किल्ड, किल मींस मारना, एक्शन है, वर्क है, तो ये हो गया वर्ब। किसको मारा? एक्ट का रिजल्ट किसके ऊपर गया? स्नेक के ऊपर, स्नेक को मारा, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब हियर वी हैव फाउंड आउट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, आगे प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे चलो, मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। चलिए करते हैं। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? द स्नेक। ये पैसिव का बन गया सब्जेक्ट। अब ये चेंजेस जो हैं, बड़े बच्चे हो आपको पता होगा कि जब ये द स्नेक हम ले आए सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो ये द जो है कैपिटल से हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव बनाते समय हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज, आर, एम, ठीक। तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आएगा वॉज, वर। अब कहां वॉज कहां वर? सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर। द स्नेक सिंगुलर है ना, तो ये हो गया वॉज, द स्नेक वॉज, ठीक है बेटा? अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मैंने बताया है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो किल्ड जो है वो सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी, किल, किल्ड, किल्ड, ठीक है? तो किल्ड हमने यहां पे किया, द स्नेक वॉज किल्ड।
स्नेक वॉज किल्ड। अब हो गया, अब हमें बाय लगाना है, किसके द्वारा मारा गया, बाय। अब ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो हो गया पैसिव का ऑब्जेक्ट। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में द था इसलिए कैपिटल से था, अब वहां पे तो स्टार्टिंग में है नहीं इसलिए स्मॉल से हमने इसको किया। तो ये क्या हो गया, अब द रीडिंग करिएगा एक बार। द बॉय किल्ड द स्नेक, लड़के ने स्नेक को मारा। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द डॉग, सॉरी द स्नेक वॉज किल्ड बाय द बॉय, स्नेक बॉय के द्वारा मारा गया, स्नेक बॉय के द्वारा मारा गया। ओके, कि मीनिंग में ही फर्क हो जाता है। यहां पर इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था वो डूअर था और इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यही आप लोगों को बताया गया है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। अब इसको रूल के फॉर्म में हम लोग यहां पर देखते हैं क्या है, क्या रूल बना। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था उसको मैंने पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया, ठीक। इसके बाद वॉज या वर्ब आना है वो इस पे डिपेंड करता है कि वॉज आएगा कि वर्ब आएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यही है, इसके बाद क्या आएगा, बाय। इसके बाद एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बेटा आपका रूल हो गया, आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद देखिए बहुत ज्यादा सिंगुलर प्लूरल के बेस पे हमने ले लिया। उसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर मैं किल्ड ना लिख करके इसमें जरा करेक्शन करूंगी, एक्चुअली यहाँ पे रूल हम लोग लिख रहे हैं तो इसलिए किल्ड नहीं बल्कि यहाँ पर ऐसे कर दिया जाए वर्ब का थर्ड, ठीक। इतने से समझ में आ जाएगा आपको, थर्ड फॉर्म आ गया वर्ब का, इसके बाद बाई और इसके बाद एक्टिव का, एक्टिव का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन करके आ गया। तो यही बेटा रूल हुआ और इसी रूल के बेसिस पर मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूं, आप करोगे। मैं सॉल्यूशन नहीं भेजूंगी, जब कॉपी चेक करने के लिए आएगी मैं चेक करूंगी कि आपने क्या किया है। और होमवर्क बहुत ध्यान से बिना किसी से पूछे वीडियो देखिएगा मेरा, बार बार समझिएगा, रूल फॉलो करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा, कॉपी में खुद चेक। ओके बेटा, थैंक यू।